चेन्नई में सुनामी आ गई है। घूसकांड में कड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया है। जी हां, सीबीआई विवाद में ये सबसे बड़ा एक्शन है सरकार की तरफ से। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को कमान सौंपी गई है, अंतरिम निदेशक बना दिया गया है आलोक वर्मा की जगह। नागेश्वर राव ने पदभार संभालते ही कड़ी कार्रवाई करते हुए जांच में शामिल एम के सिन्हा को छुट्टी पर भेज दिया है, जबकि सीबीआई बिल्डिंग की 10वीं और 11वीं मंजिल है उसे भी सील कर दिया गया है। बड़े स्तर पर जांच की जा रही है इस सारे काम में। इससे पहले कोर्ट ने घूसकांड में गिरफ्तार सीबीआई के डीएसपी को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया था। आलोक वर्मा डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया है और इस पूरे विवाद में ये सरकार का बड़ा फैसला, बड़ा एक्शन माना जा रहा है। नागेश्वर राव को कमान सौंपी गई है घूसकांड के बाद। हालांकि कोर्ट से राकेश अस्थाना को जरूर थोड़ी राहत मिली क्योंकि कोर्ट ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर फौरी रोक लगा दी है, लेकिन आज सुबह, बुधवार की सुबह, ये बड़ा एक्शन सरकार का देखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि 29 अक्टूबर तक राकेश अस्थाना को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है इस पूरे मामले से जुड़े हुए, और इस बीच उनसे तमाम केस वापस लिए गए। और आज जो बड़ा डेवलपमेंट है, राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा दोनों को ही छुट्टी पर भेज दिया गया है। क्या हुआ है, नागेश्वर राव को नए सीबीआई चीफ की जगह दी गई। 1986 बैच के आईपीएस अफसर है नागेश्वर राव। कौन है नागेश्वर राव, आपको बता रहे, ज्वाइंट डायरेक्टर पद पर काम कर रहे थे राव अभी सीबीआई में, और तेलंगाना के ओडिशा काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं नागेश्वर राव। तेलंगाना के वारंगल जिले के रहने वाले हैं राजीव। इस वक्त तीन तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त राकेश अस्थाना की तस्वीर है जिनको लेकर तमाम बवाल शुरू हुआ। इस वक्त नागेश्वर राव आपके टीवी स्क्रीन पर, जो नए सीबीआई डायरेक्टर बने, और ये इस वक्त आलोक वर्मा जिन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। कुमार सोनू ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, एक तेज और जल्द एक्शन लिया है सरकार ने कई लोगों को छुट्टी पर भेजकर। देखिए, बिल्कुल ये बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि राकेश अस्थाना, जिन पर करप्शन के चार्जेस तो थे ही, लेकिन आलोक वर्मा के साथ भी उनका टसल चल रहा था, जिसके बाद सरकार ने तुरंत ये निर्णय लिया है कि दोनों को छुट्टी पे भेजा जाए। इससे कहीं ना कहीं जो जांच है वो भी प्रभावित नहीं होगी। वहीं जो 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर है के नागेश्वर राव, उनको इंटरिम चार्ज दिया गया है और इसकी सूचना तमाम संबंधित विभागों को भी दे दी गई है। सीबीसी तक को भी चिट्ठी दे दी गई है और जो उनको के नागेश्वर राव को यह भी कहा गया है कि आप तुरंत जल्द से जल्द चार्ज ले लें इस मामले में। फिलहाल जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है उसके बाहर भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा जो है वो थोड़ी सी बढ़ा दी गई है और अंदर सीबीआई हेडक्वार्टर में अंदर अभी किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो संबंधित व्यक्ति है या जिसका अंदर काम है को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब सीबीआई को लेकर रार तो बढ़ी गई है, लेकिन अब राजनीति भी इस पर तेज होगी। कुमार सोनू, ये रार सबके सामने आ चुकी है, लेकिन ये बताइए कि क्या छापेमारी भी की गई सीबीआई दफ्तर में, क्योंकि 10वीं और 11वीं मंजिल जो है उसे सील भी किया गया है। देखिए, बिल्कुल इसमें छापेमारी भी की गई है, कुछ दस्तावेज इसमें बताया जा रहा है जब्त किए गए हैं। फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये एक सीबीआई के इतिहास में एक सबसे बड़ा फैसला और सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है कि सीबीआई के अधिकारियों को लेकर सीबीआई के ही हेडक्वार्टर में सीबीआई के ही अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। फिलहाल ये रार नहीं लगता कि जल्द थमने वाली है, क्योंकि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का जो टसल है वो सबके सामने था, जाहिर था, साफ था, और उसके बाद सरकार ने जो ये जी कुमार, इस वक्त हमारे साथ एलएन राव साहब जो रहे हैं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसर रहे हैं। इससे पहले राव साहब, किस तरीके से देखते हैं आप सीबीआई में हो रहे इन तमाम डेवलपमेंट्स को? देखिए, जो ये अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है सीबीआई में, दो ऑफिसर्स का आपस में जो टकराव है, इसमें कहीं ना कहीं सीबीआई की जो क्रेडिबिलिटी है उसको थोड़ा इसको ठेस पहुंची है। और अभी अगर ये दोनों ऑफिसर्स को अगर छुट्टी में भेज रहे हैं तो आई थिंक दैट वाज ए गुड मूव, बिकॉज सम अदर, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, अभी जो चल रही है इन्वेस्टिगेशन, इन ऑफिसर्स की सुपरविजन में उसकी सैंक्टिटी नहीं समझी जाएगी कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से होगी या नहीं होगी। आम लोगों को ये लगेगा कि अभी जो ऑफिसर्स हैं इनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो भले ही आरोप ये झूठे भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ। लेकिन राव साहब, सरकार ने तो क्रेडिबिलिटी अपनी बनाए इसीलिए रखी है क्योंकि इस मामले में तुरंत तत्परता दिखाई गई एक्शन लेने में।
मैं हाँ तुरंत कह सकते हैं आप, क्योंकि ये स्टेज पे पहुंच गया था, अब ये जरूरी था तुरंत तत्परता दिखाना, क्योंकि अब अगर सीबीआई जैसी एजेंसी जिसके नाम से लोग दुहाई देते हैं कि हर केस के लिए जाएंगे कि हमारा केस सीबीआई में भेज दो, इसका मतलब सीबीआई एज ए इंस्टीट्यूशन इसकी क्रेडिबिलिटी है। लेकिन जिस प्रकार से ऐसा हुआ था कि ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आया कि सीबीआई जैसी एजेंसी में अगर ये घुसखोरी और ऐसे कांड हो रहे हैं तो उसकी वास्तव में ही छवि धूमिल हुई है। और इस प्रकार से अब तीसरे ऑफिसर को चार्ज अगर दिया गया है मिस्टर राजेश राव को, दैट इज अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया आलमनाथ साहब इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इसकी जड़ में तो एक बात साफ है कि भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है जिसके चलते इतनी बड़ी सुनामी सीबीआई में आ गई है। बिल्कुल, घूसकांड का ये मुद्दा जिस पर काफी बवाल मचा। Right, to the general public, the message will be against CBI, as if something has gone wrong with the CBI. But I personally feel it is not so much the CBI which is to blame for this, what is happening today, but those who try to tinker with the system or who interfered in a way that they should not have. When you know about in 16 September. रोहन सर, हमारे दो साथी जुड़ रहे हैं, राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर और साथ में राकेश पांडे न्यूज रूम से। राकेश कुमार सिंह, आपके पास आना चाहूंगा। सरकार ने तत्परता दिखाई है अधिकारियों को छुट्टी पर भेजकर, लेकिन इस बीच में काफी ज्यादा सीबीआई की जो रार है, सीबीआई के अंदर खाने क्या चल रहा है, वो भी खुलकर सामने आ गया है। देखिए, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और जिस तरह से नंबर वन और नंबर टू के बीच जिस तरह से छिछालेदार हुई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, और जिस तरह से आपने देखा कि सीबीआई किस तरह से अपने अधिकारियों पर छापेमारी की, गिरफ्तारी तक हुई, उसको लेकर कहीं ना कहीं पीएमओ नाराज था पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि न केवल सीबीआई को लेकर सवाल खड़ा हो रहा था बल्कि सरकार पर भी सीधे सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया जा रहा था विपक्ष को भी द्वारा। और आखिरकार देर शाम जो है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया और सीधे तौर पर जो वर्तमान डायरेक्टर हैं उनको जो है छुट्टी पर भेजा गया है। साथ ही साथ नागेश्वर राव को जो है साफ तौर पर अभी जो है उनको डायरेक्टर के कार्य करने के लिए सौंपा गया है। तो साफ तौर पर जिस तरह से देश की सबसे बड़ी जांच, बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे विवाद में, जो रार खुलकर सामने आई। जैसा कि राजीव आप कह रहे थे, ये रार इतनी ज्यादा सामने आई कि जो सीबीआई के भीतर की जंग है वो लोगों को पता लग गई, और कैसे सीबीआई ने सीबीआई पर ही हमला कर दिया। बिकॉज ये ऐसा मामला था जिसमें सीबीआई अफसर ही घेरे में है, और इस पूरे मामले पर राकेश अस्थाना का नाम सामने आया और उन्हें अब छुट्टी पर भेज दिया गया है। राकेश पांडे मेरे सहयोगी और ज्यादा डेवलपमेंट और अपडेट्स के साथ मौजूद हैं। राकेश, लेटेस्ट अपडेट क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, लेटेस्ट अपडेट तो यह है, जिस तरीके से राकेश सिंह बता रहे थे निधि की बात, दोनों अधिकारियों को जो नंबर वन और नंबर दो के अधिकारी हैं आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना, जिनके बीच रार छिड़ी हुई थी, अब कल एक बार बातचीत करने की कोशिश हुई, लगा सरकार को कि स्थिति शायद नहीं सुधरेगी, इसके बाद इन दोनों अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा गया है। नागेश्वर राव इंटरिम चीफ बनाए गए हैं, 10वीं और 11वीं फ्लोर को सील किया गया है, क्योंकि ऐसा मुमकिन है, संभव है कि वहां कुछ ऐसे कागजात मिलेंगे जिनसे जांच आगे बढ़ेगी। और साथ ही जो घूसकांड की जांच चल रही थी, ये एक अपडेट यह कि जो घूसकांड की जांच चल रही थी राजीव और निधि, उस घूसकांड की जांच जितने अधिकारी कर रहे थे उस पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को बदला गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब नए अधिकारी इस पूरे घूसकांड की जांच करेंगे। नागेश्वर राव को देर रात ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि अब वो इंटरिम चीफ होंगे और पूरे इस मामले को उन्हें टैकल करना है, और आज संभवतः हो सकता है कि अभी तक उन्होंने चार्ज भी ले लिया, और कैसे इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी इस बात की दिशा भी उन्होंने तय कर दी हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी, जो कि इस पूरे घूसकांड की जांच चल रही थी, जिस पूरे घूसकांड को लेकर बवाल मचा हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम बदली गई है, नए अधिकारी अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जी, हमारे साथ राकेश कुमार सिंह लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। राकेश, एक बात तो यहां पर सीधे सीधे समझ में आती है कि सरकार ने यह कदम उठाया, छुट्टी पर भेज दिया जिससे कि जांच प्रभावित ना हो, लेकिन सरकार के अंडर में ही सीबीआई आती है, अपने ऊपर लगे इन दागों को कैसे धोएगी सरकार? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है
क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कोई भी आरोप अगर किसी पर लगता है तो तुरंत जो है कार्रवाई में विश्वास रखते हैं, और जिस तरह से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर और नंबर वन और नंबर टू के बीच में जिस तरह से लड़ाई आगे बढ़ रही थी, घूस एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसमें जो सूत्र बता रहे हैं कि हस्तक्षेप किया था और दोनों कैंप को सीधे तौर पर कहा था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से दोनों कैंप एक दूसरे के खिलाफ आगे बढ़ रहे थे और सीधे तौर पर आखिरकार अपॉइंटमेंट कमिटी ऑन कैबिनेट ने फैसला लिया कि नंबर वन और नंबर टू यानी डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा जाए और इंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। तो सीधे तौर पर जो आरोप लगे हैं दोनों पर, चाहे बात किया जाए राकेश अस्थाना की ओर से आलोक वर्मा पर, आलोक वर्मा द्वारा जिस तरह से राकेश अस्थाना के खिलाफ, तो अब नागेश्वर राव जो हैं इस पूरे मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल हम चर्चा करते रहेंगे। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, राकेश पांडे हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन राजीव ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जो कि सरकार ने की है, और ये इस पूरे विवाद को लेकर जो कि मोइन कुरैशी को घूसकांड से जुड़ा हुआ था ये पूरा लिंक, और इस पूरे विवाद से जुड़ा हुआ अब ये जो डेवलपमेंट है वो सरकार की तरफ से देखने को मिला और सुबह आज सीबीआई में सुनामी आ गई। जय निधि, इससे पहले कल आलोक वर्मा ने स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के सारे अधिकार वापस ले लिए थे। राकेश अस्थाना को विजय माल्या केस, मोइन कुरैशी केस और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के केस की जांच से बाहर कर दिया गया था। और वहीं 3 करोड़ की रिश्वत के मामले में अपने ऊपर दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे राकेश अस्थाना को कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली थी। हाईकोर्ट ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी है और साथ ही सीबीआई और उसके चीफ को नोटिस जारी किया गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। अब सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को राकेश अस्थाना के लगाए आरोपों का जवाब देना है और हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी सबूतों को सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया है। अब अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी। और आपको यह भी बता दें कि देश की प्रीमियम जांच एजेंसी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इस वक्त अपने ही घर में करप्शन के घोर आरोपों से जूझ रही है और 15 अक्टूबर को सीबीआई ने स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना के खिलाफ पहला केस दर्ज करवाया था। सीबीआई ने इस मामले में कहा था कि एक केस को रफा दफा करने के लिए राकेश अस्थाना ने 3 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। इधर अस्थाना ने साफ किया कि रिश्वत तो ली गई थी लेकिन रिश्वत निदेशक आलोक वर्मा ने ली थी। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि मामला दरअसल शुरू कैसे हुआ राकेश अस्थाना के खिलाफ। अस्थाना ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर फिर भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामलों में 10 आरोप लगाए और इस बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी और सीवीसी को शिकायती चिट्ठी भी लिखी राकेश अस्थाना ने। अब ये मामला कोर्ट में है। तस्वीर आप जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं सीबीआई मुख्यालय की देख रहे हैं, दिल्ली में जो मौजूद है और जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि 10वीं और 11वीं मंजिल को सील कर दिया गया। ये तस्वीरों में इस वक्त राकेश अस्थाना को आप देख पा रहे हैं, 1984 बैच के आईपीएस अफसर, और इस वक्त आलोक वर्मा जो पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी रह चुके हैं और सीबीआई के डायरेक्टर हैं वो देख पा रहे हैं। छोटे